गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मधु विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट टीवीएस क्लास 4 चैप्टर 7 गुड फॉर्म टू मार्क 8 और इसका है पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जर्नी ऑफ फूड। इसमें एक क्वेश्चन करना है, इसमें आपको जर्नी ऑफ फूड बताना है कि खाने की यात्रा जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। देखो इसे शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि द फार्मर क्लोज द फील्ड्स। फार्मर जो है वो क्या करता है, सबसे पहले क्लोज करता है फील्ड को, खेत को तैयार करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन और ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर या ऑक्सन यानी बैल की हेल्प से ये जो क्या करता है, जमीन को तैयार करता है। जमीन तैयार करने को क्या कहते हैं, प्लोइंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ही एड्स फर्टिलाइजर। जमीन तैयार करने के बाद में उसमें क्या ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर या मैन्यूर या खाद जो होती है उसमें ऐड की जाती है। ही सेलेक्ट द सीड्स। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सीजन फार्मर जो है वो क्या करता है, सीड को सेलेक्ट करता है कि कौन से मौसम में कौन से जो बीज है उनको ग्रो करना है, उनको वो सेलेक्ट करता है। सेलेक्शन करने के बाद में देन ही सोज देम। उसके बाद में वो उनको क्या करता है, बो देता है। द सीड्स जर्मिनेट। बोने के बाद में जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं यानी अंकुरित हो जाते हैं। एंड स्मॉल प्लांट्स अपीयर। और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं यानी उगने लगते हैं। जब छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तब कौन सी प्रोसेस होती है, देन कम्स द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। उसके बाद में देन कम्स द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। उसके बाद में इरिगेशन वाली क्या आती है, प्रोसेस आती है, प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, प्रोसेस आती है इरिगेशन की। उसके बाद में सिंचाई करने के बाद में अब जब पौधे जो है वो बड़े हो रहे हैं तो उन पर कोई कीड़े वगैरह नहीं आ जाए, इसके लिए क्या स्प्रे करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो स्प्रे करता है वो, स्प्रे करता है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, उनको जो इंसेक्ट है उनसे प्रोटेक्शन कर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो क्रॉप्स होती हैं वो बड़ी होती रहती हैं। क्रॉप्स ग्रो इन अबाउट 6 मंथ्स टू कट। क्रॉप्स जो है वो काटने के लिए तैयार हो जाती है लगभग 6 महीने में। 6 महीने में जो फसल होती है वो बड़ी हो जाती है और काटने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। सीरियल्स एंड पल्सेस आर पैक्ड इन गनी बैग्स। उसके बाद में जो अनाज और दालें होती हैं इनको गनी बैग्स में पैक कर लिया जाता है और जो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल होते हैं इन्हें कार्डबोर्ड या वुड के बॉक्सेस में पैक कर लिया जाता है। अब देखो पैक हो गई क्रॉप है ना, द पैक्ड क्रॉप इज ट्रांसपोर्टेड। द पैक्ड क्रॉप इज ट्रांसपोर्टेड। जो पैक्ड क्रॉप है वो कहां पर ट्रांसपोर्ट की जाती है, टू द होलसेल मार्केट, टू द होलसेल मार्केट। इसे होलसेल मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। होलसेल मार्केट जो है इसे मंडी भी बोलते हैं। उसके बाद में होलसेल मार्केट में पहुंच गई तो होलसेल मार्केट में से शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स जो हैं ये क्या करते हैं, बाय द प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनको ये खरीद लेते हैं। बाय द प्रोडक्ट्स इन बल्क। बल्क मतलब होता है इकट्ठे में, क्योंकि यहाँ पर सामान इकट्ठा ही बेचा जाता है और इकट्ठा ही खरीदा जाता है। इन बल्क
शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स। जब ये नए कट्ठे में खरीद देते हैं उसके बाद में ये क्या करते हैं, शॉपकीपर और वेंडर जो है ये इनको इकट्ठे में शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय द प्रोडक्ट्स इन बल्क यहाँ से ये खरीद लेते हैं और उसके बाद में ये जो शॉपकीपर हैं ये इनको बेच देते हैं। दे सेल द फूड आइटम्स, दीज फूड आइटम्स टू द शॉपकीपर्स, ये किसको बेच देते हैं, शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। ठीक है, अब हमें किससे खरीदना है, इन्हीं शॉपकीपर्स से ही खरीदना है। अब हम क्या करते हैं, वी बाय दीज फूड आइटम्स से ले लेते हैं, तो हमारे तक सामान जो है वो शॉप जो है वहां पे पहुंच गया और हम इसे लेने के लिए चले जाते हैं। तो देखा आपने ये जर्नी ऑफ फूड जो है ये कितनी लंबी होती है, ये स्टार्ट होती है कहाँ से, शॉपकीपर से, और उसके बाद में शॉप पर जाके ये खत्म होती है जहां से हम इसे खरीद लेते हैं। तो इसके लिए फार्मर जो है वो देखो कितनी कठिन मेहनत करता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो क्या करता है, फार्मर जो है वो तैयार करता है किसको, जमीन तैयार करता है और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लोइंग, जमीन तैयार करता है ना, फ्लोइंग करता है। उसके बाद में वो फर्टिलाइजर ऐड करता है, फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद में बीजों को उगा देता है, सो है ना, सो द सीड्स। और बीज बोने के बाद में, बीज जब बो देता है तो उसके बाद में सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं, स्मॉल प्लांट्स अपीयर होते हैं। उसके बाद में वो क्या करता है, उसके इरिगेशन करता है यानी सिंचाई करने के बाद में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो उनको ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद में फसल जो होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और अबाउट सिक्स मंथ जो है वो रेडी टू कट हो जाती है, इसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद में कटने के बाद में इसे पैक कर लिया जाता है इन गनी बैग्स में, है ना, क्रॉप्स आर पैक इन गनी बैग्स में। ठीक है, और उसके बाद में ये कहाँ पहुँचा दी जाती है, क्रॉप्स जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, इन मंडी में या होलसेल मार्केट में, होलसेल मार्केट से जो शॉपकीपर्स या वेंडर्स जो है वो खरीद लेते हैं, ये जो है ये सस्ते में खरीदते हैं। और उसके बाद में जो शॉपकीपर होते हैं ये बेच दिया जाता है, शॉपकीपर जो है इसे हम इन्हें खरीद लेते हैं और इस तरह से ये सामान हम तक फूड आइटम जो है वो पहुँच जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।